Hey everybody, hello, a very good morning to you all and welcome back to our channel Info Island, and also welcoming you guys to our fresh new video on the topic SSC CGL 2023. तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन दे आर ऑन गोइंग, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपको हर एक शिफ्ट में पूछे गए सवालों के जवाबों को हम आज की और आगे आने वाली कई वीडियो में देते रहेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई को जो अभी एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का, उस एग्जामिनेशन का हम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देंगे और 100% एक्यूरेट आंसर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 20 जुलाई के शिफ्ट के पहले शिफ्ट के पेपर में। और गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जिसमें पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था इस फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा रही है। तो यहाँ पर गाइज हमने पूरी क्रम के अनुसार बता दिया है, जैसे कि पहला नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, पांचवें पर आता है आंध्र प्रदेश, छठे पर आता है मध्य प्रदेश, और जिसमें हमने ये 35 लक्षद्वीप जिसमें सिक्किम और मिजोरम का भी नाम शामिल है। तो गाइज ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनगणना के अनुसार जो भारत के सबसे ऊपर दो राज्य हैं जनसंख्या में वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, पर हो सकता है कि आगे आने वाले पेपरों में इन दो राज्यों के अलावा जैसे कि तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके बारे में पूछा जा सके। तो आप इन सारे ही राज्यों के नाम याद कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने टॉप 6 स्टेट्स के नाम आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगला जो सवाल आया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। गाइज यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना तो प्लीज हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर जाइए और वहां पर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से रिलेटेड सारी जो भी मेन क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पहले आ चुके हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके उसको भी देखिएगा क्योंकि वो भी आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको मेघ स्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा सी 302 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के भारतीय राजा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। तो गाइज ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने 321 ईसा पूर्व में नंद के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसको हराया था शासनकाल बनाने के लिए, तो वो नंद का जो शासक था धनानंद उसको हराया था और मौर्य साम्राज्य की रचना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसी के बाद की थी। फिर आता है चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बात की जाए तो वो 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व का बीच का जो भी काल था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था जो कि उसका पुत्र बिंदुसार था। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बिंदुसार था, ये प्रश्न भी आपको आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें अशोक मौर्य की, तो अशोक मौर्य शासकों में तीसरा और सबसे महान शासक था। तो क्रम के अनुसार भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसका जो अशोक मौर्य था वो शासन काल में कौन से क्रम पे था, तो वो तीसरा था और सबसे महान शासक था। तो ये आप क्रम भी याद कर लीजिएगा अलोंग विद द नेम।
तो गाइज अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है करेक्ट आंसर है। और अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2024 तक वृद्धि कर दी है। तो वो 31 अगस्त 2024 तक और बढ़ा दिया है, जो कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी सी जी का कार्यकाल कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो था ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा अगर हम बात करें कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है बलवीर सिंह चौहान, जो कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो गाइज इसके अलावा अगर आपसे जैसे पूछा जाता है कि पहले विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है 1955। 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना हुई थी। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है एमसी शीतलवाड़। आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो उनके कार्यकाल की बात करें तो वो था 1955 से लेके 1958 का। तो एमसी शीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग 1955 से 1958 के अध्यक्ष रहे थे। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कि आया है वो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो गाइस इसमें जो नाम आता है जो कि करेक्ट आंसर है, जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और उसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे थे, तो वो हम बताना चाहेंगे कि उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि 15 मई 2022 से भारत चुनाव आयोग रहे हैं, भारत चुनाव आयोग के कमिश्नर रहे हैं। और अगर बात की जाए गठन की, तो उसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 के बीच में। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो गाइज आगे अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की, तो जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक का होता है, जो भी पहले हो। मतलब अगर वो इंसान का जो मुख्य चुनाव, उस बेसिस पे देखते हैं कि अगर कार्यकाल या तो टोटल 6 वर्ष का हो गया है या फिर उसकी आयु जो है वो 65 वर्ष की हो गई है, जो भी पहले होता है उस हिसाब से वो मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। अगला हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये सारी जिम्मेदारी उसी की होती है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा, इसमें संसद भी बीच में आता है, संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात बहुत काम की है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति का रोल होता है, इंक्लूडिंग अपने जो संसद का रोल होता है, संसद द्वारा हटाया जाता है, और रोल मेन रोल रहता है राष्ट्रपति जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद। तो जो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, वो सारे अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन है वो 1886 में आयोजित किया गया था, और कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो ये दो बड़ी और काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से रिलेटेड, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वो किस साल में हुआ था? वो हुआ था 1886 में, और कहाँ पर आयोजित किया गया था? वो किया गया था कोलकाता में। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नारोजी रहे थे।
दूसरा जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसको काफी एक्टिवली सपोर्ट किया गया था दादा भाई नरोजी से, और उसके अध्यक्ष भी दादा भाई नरोजी ही थे। तो गाइज एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको, कि जो कि आपके प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई थी, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, ये आपके प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो दादा भाई नारोजी थे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो कब हुई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा हुई थी, वो उनका नाम है A.O. ह्यूम, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, और इसके अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन की जो कि हमारे भारतीय कांग्रेस से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी के अन्य प्रश्न पेपर के लिए, और एसएससी के अलावा भी ऐसे काफी एग्जामिनेशंस हैं जिनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इन अधिवेशनों के बारे में, उसके वर्ष के बारे में कब किए गए थे, उसके स्थान के बारे में, और उसका अध्यक्ष कौन रहा था, किसने उसको लीड करा था। तो जिसमें पहला जो अधिवेशन है वो हुआ था 1885 में, उसकी स्थापना हुई थी, और स्थान की अगर हम बात करें तो वो मुंबई में हुआ था, और जो अध्यक्ष रहे थे जिन्होंने उसको लीड करा था वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो अगर आपसे इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर आपका होगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आप इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे इन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की, तो जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 में उसका गठन हुआ था, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, कोलकाता में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नारोजी। फिर हम बात करते हैं तीसरे अधिवेशन के बारे में, जो कि 1887 में उसका स्थापना की गई थी, जो कि मद्रास में आयोजित हुआ था, और उसका जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो उस अधिवेशन से जुड़े हुए काफी एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे उस अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला आता है चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन जो था वो 1888 में हुआ था, और इलाहाबाद में उसकी स्थापना हुई थी, और जो अध्यक्ष थे जो कि इससे जुड़े हुए थे उनका नाम था जॉर्ज यूल। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें अधिवेशन की, जो कि 1889 में लागू किया गया था, जो कि मुंबई में स्थापित हुआ था, और सर विलियम वेडनबर्न जो थे वो इस अधिवेशन के मुख्य अध्यक्ष थे। फिर अगला आता है छठा अधिवेशन, तो छठे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो वो 1890 में स्थापित हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। उसके बाद हम बात करते हैं सातवें अधिवेशन के बारे में, तो जो सातवां अधिवेशन था वो 1891 में स्थापित किया गया था, और नगर आपका नागपुर था जहां पर ये स्थापित किया गया था, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष जुड़े हुए थे और शामिल थे उनका नाम था आनंद चार्लू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आठवें अधिवेशन की ओर, तो जो आठवां अधिवेशन था वो 1892 में उसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, इलाहाबाद में, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी का नाम हमने पहले अधिवेशन से जुड़े में भी देखा था। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाता है ऐसे कौन से मुख्य महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे हैं जिनमें व्योमेश चंद्र बैनर्जी का मुख्य सपोर्ट रहा है या वो मुख्य अध्यक्ष रहे हैं, तो आप करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पहला और आठवां अधिवेशन। तो अभी तक तो हमने ये दो ही देखे हैं, अगर आगे और आते हैं तो आप उनका भी नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवे अधिवेशन की ओर, जो नौवा जो अधिवेशन हुआ था वो 1893 में लाहौर में हुआ था, और जो दादा भाई नारोजी थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। अब जैसे कि दादा भाई नारोजी का नाम हम देख सकते हैं वो दूसरे अधिवेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा
दूसरा अधिवेशन और नौवां अधिवेशन जिसमें दादा भाई नारोजी का मुख्य अध्यक्षता रही है। उसके बाद आता है दसवां अधिवेशन जिसकी हम बात कर ले तो उसका गठन हुआ था 1894 में, कहाँ पर हुआ था, मद्रास में, और जो उसकी अध्यक्षता मुख्य अध्यक्षता निभाई गई थी वो थी अल्फ्रेड वेब के जरिए। तो गाइज आगे हमारे पास आता है 11वां अधिवेशन जिसकी जो मुख्य अध्यक्षता थी वो निभाई गई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, और ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये पुणे में स्थापित हुआ था 1895 में। फिर आता है 12वां अधिवेशन जो कि आपका 1896 में स्थापित हुआ था कोलकाता में, और इसकी मुख्य अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी ने की थी। फिर आता है 13वां अधिवेशन जो कि 1897 में अमरावती में स्थापित किया गया था, और सी संकरण नारायण नायर इसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर अगला हम बात करते हैं 14वें अधिवेशन की तरफ देखते हैं। 14वें अधिवेशन को जो स्थापित किया गया था वो मद्रास में किया गया था और 1898 में किया गया था, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष थे वो थे आनंद मोहन दास जी। इसके बाद आता है हमारा 15वां अधिवेशन जो कि 1899 में स्थापित किया गया था लखनऊ में, और जो इसकी मुख्य अध्यक्षता निभाई गई थी वो रमेश चंद्र दत्त जी ने निभाई थी। फिर हम बात करते हैं 16वें अधिवेशन की, तो जो 16वां अधिवेशन था वो 1900 में लाहौर में स्थापित किया गया था, और एन जी चंद्राव रकर जी इसके मुख्य अध्यक्ष थे। अगला आता है 17वां अधिवेशन जो कि हमारा कोलकाता में हुआ था, और 1901 में इसकी गठन हुई थी, और जो दिनशा वाचा नामक अध्यक्ष इसके मुख्य अध्यक्षता निभाई थी। फिर आता है 18वां अधिवेशन जो कि 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला आता है 19वां अधिवेशन जो कि 1903 में मद्रास में स्थापित किया गया था, और जिसके मुख्य अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। अगला हम बात करते हैं 20वें अधिवेशन की, तो जो 20वां अधिवेशन था वो 1904 में आपका स्थापित किया गया था मुंबई में, और जो उसकी मुख्य अध्यक्षता निभाई गई थी वो सर हेनरी काटन ने की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वें अधिवेशन की ओर। तो गाइज 21वां जो अधिवेशन था वो 1905 में बनारस में स्थापित किया गया था, और इसकी मुख्य अध्यक्षता निभाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी से। फिर आता है 22वां अधिवेशन, तो जो 22वां अधिवेशन है वो कोलकाता में 1906 में स्थापित किया गया था, और दादा भाई नारोजी जी ने किया था, और वो इसके मुख्य अध्यक्ष भी थे। फिर हम बात करते हैं 23वें अधिवेशन की जो कि 1907 में सूरत में स्थापित किया गया था, और रस बिहारी घोष जी इसके मुख्य अध्यक्ष थे। अगला आता है 24वां अधिवेशन जो कि 1908 में मद्रास में स्थापित हुआ था, और डॉक्टर रस बिहारी घोष इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। फिर आता है 25वां अधिवेशन जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके जिसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे, और वह 1909 में लाहौर में स्थापित किया गया था। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाहौर हुआ, मद्रास हुआ, कोलकाता हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये इस तरह के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी सारे अधिवेशन हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं कि जो ये कितने अधिवेशन इस राज्य से रिलेटेड हैं, या फिर किन किन अधिवेशनों के नाम कौन सी हैं, अधिवेशन जो कि इस ईयर में हुए थे वो इस राज्य से रिलेटेड हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए उस टाइम पर कि आपको सारे ही अधिवेशन का नॉलेज हो, क्योंकि इक्का दुक्का जो मेन मेन होता है वो तो आपको पता ही होता है, लेकिन जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभी उस क्वेश्चन को घुमा इस तरह से देते हैं कि अगर आपको उससे रिलेटेड चीजों का नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए इसीलिए अब हम बढ़ते हैं 26वें अधिवेशन की ओर। तो जो कि 26वां अधिवेशन था वो 1910 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था, और जो विलियम वेडर वेडरबर्न थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर आता है 27वां अधिवेशन, जो कि 1911 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और पंडित शिव नारायण धर उसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। फिर आता है 28वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर में 1912 में स्थापित किया गया था, और जो इसके मुख्य अध्यक्ष थे वो थे R.N. मुधोलकर। अगला हम बात करते हैं 29वें अधिवेशन का। तो जो 29वां अधिवेशन है वो 1913 साल में कराची में स्थापित किया गया था, और सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। फिर हम बात करते हैं 30वें अधिवेशन की, जो कि मद्रास में हुआ था, 1914 में हुआ था, और भूपेंद्र नाथ बोस जी इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को अब बोर हो रहा होगा, या फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, ये लिस्ट ही है ऐसी जो कि आपको इन अधिवेशनों के क्वेश्चंस से हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज हैव दैट पेशेंस इन यू, और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गाइस 31वें अधिवेशन की। तो चलिए हम शॉर्ट में निपटाते हैं जिससे कि आपको बोरियत फील ना हो। तो जो 31वां अधिवेशन है मुंबई में 1915 में हुआ था, और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी के थ्रू हुआ था। फिर आता है 32वां अधिवेशन, जो कि 1916 लखनऊ में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी मुख्य अध्यक्ष रही थी। 33वां अधिवेशन, जो कि एनी बसंत जिसकी मुख्य अध्यक्ष रही थी, और जिन्होंने बहुत एक्टिवली अध्यक्षता निभाई थी। तो जो एनी बसंत जी थी वो 1917 में कोलकाता में जो आयोजित 33वां अधिवेशन हुआ था उससे रिलेटेड है। एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था जो कि 1918 में हुआ था और मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम जी ने निभाई थी और काफी एक्टिवली निभाई थी। फिर अगला 34वां जो अधिवेशन है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कि 1918 दिल्ली में हुआ था, और उसमें अपनी मुख्य अध्यक्षता निभाई थी। जो 35वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1919 में अमृतसर में स्थापित किया गया था, वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने उसमें मुख्य रूप से अपनी अध्यक्षता निभाई थी। फिर एक विशेष अधिवेशन की हम बात करें, जो कि 1920 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और उसमें हमारे अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। फिर बात करते हैं 36वें अधिवेशन की, जो कि 1920 में हुआ था, नागपुर में हुआ था, और सीवी राधवाचार्यर जी जो थे वो उसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं 37वें अधिवेशन की, जो कि 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, और हकीम अजमल खान जी जो थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर आता है 38वां अधिवेशन, जो कि 1922 में गया में हुआ था, और देश बंधु चितरंजन दास जी जो थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष रहे थे। फिर आता है 39वां अधिवेशन, जो कि आपका काकीनाड़ा में स्थापित किया गया था, 1923 में स्थापित किया गया था, और मौलाना मोहम्मद अली जी इसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं विशेष अधिवेशन, जो कि 1923 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जो कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था। तो गाइज इन अधिवेशनों के साथ साथ ये जो विशेष अधिवेशन बीच बीच में दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने तीन विशेष अधिवेशनों की बात करी, तो आप इनके भी मुख्य अध्यक्षों और जगहों और किस साल वो हुए थे उनका नाम भी याद कर लीजिएगा। अगला गाइस हम बात करते हैं 40वें अधिवेशन की, जो कि बेलगाम में हुआ था, 1924 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी ने उस समय अध्यक्षता निभाई थी। फिर जो 41वां अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, 1925 में स्थापित किया गया था, और सरोजनी नायडू जी उसकी मुख्य अध्यक्ष थी। फिर आता है 42वां अधिवेशन, जो कि 1926 में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, और जो की इम्पोर्टेंट पर्सन उससे रिलेटेड था वो था श्रीनिवास आयगर। अगला फिर 43वां अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था, 1927 में हुआ था, और M.A. अंसारी उसके अध्यक्ष रहे थे। फिर आता है
44वां अधिवेशन जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था और स्थापित था कोलकाता में और 1928 में। फिर आता है 45वां अधिवेशन जो कि लाहौर में 1929 में स्थापित किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। फिर आता है 46वां अधिवेशन जो कि आपका कराची में 1931 में हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। फिर है 1932 की अगर हम बात करें जिसमें 47वां अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में हुआ था और अमृत रणछोड़ दास सेठ जी उसके मुख्य अध्यक्ष थे। अगला है 48वां अधिवेशन जो कि 1933 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था और नेल्ली सेन गुप्ता जी उसके मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। फिर आता है 49वां अधिवेशन जो कि 1934 में मुंबई में किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं 50वें अधिवेशन की जो कि 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके मुख्य अध्यक्ष थे। तो गाइज लिस्ट अभी और लंबी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब हम बात करते हैं 91वें अधिवेशन की जो कि फैजपुर में 1937 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू हुआ था। जो 52वां अधिवेशन था हमारा वो हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जिसमें मुख्य अध्यक्षता निभाई थी। फिर है 53वां अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में हुआ था, 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी उसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर है 54वां अधिवेशन जो कि रामगढ़ में हुआ था, 1940 में हुआ था और अबुल कलाम आजाद उसके मुख्य अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं 55वें अधिवेशन की जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी और वह 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया था। फिर एक और विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि 1947 में दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके की इम्पोर्टेंट पीपल के नाम में जोड़े गए थे। फिर 56वें अधिवेशन की अगर हम बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो मुख्य अध्यक्ष थे, जयपुर में ये हुआ था, 1948 में हुआ था। फिर बात करते हैं 57वें अधिवेशन की जो कि 1950 में नासिक में हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन जी उसके मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। तो गाइज ये थे अभी हमारे जो भी अभी हमने जो भी डिस्कस किए वो थे हमारे भारतीय कांग्रेस कुछ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। अब हम कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं जिसमें पहला है कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने करी थी 1885 में की थी। तो यहाँ पर ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने आपको देखने को मिल गई है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने करी थी, ये आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कब करी थी? 1885 में करी थी। और किया क्या था उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो जो वायसराय लॉर्ड आप कह सकते हैं कौन था, तो लॉर्ड सॉरी आप भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो लॉर्ड डफरिन था। तो ये नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की। तो पहले अध्यक्ष का नाम व्योमेश चंद्र बैनर्जी था जिन्होंने 1885 में मुंबई में अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, दो क्या तीन आ गए हैं, जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि कितने लोग उसमें शामिल थे, 72। अगला है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, जिन्होंने 1887 में कब किया था? 1887 में कहाँ किया था? मद्रास में, वहां तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर आता है कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि इलाहाबाद में, जिन्होंने 1888 में चौथे अधिवेशन में कौन बने थे? जॉर्ज यूल बने थे। तो गाइज आगे अब हम बात करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। तो ये जो कलकत्ता अधिवेशन था ये 1896 में आपका स्थापित किया गया था
और इसमें पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ये काफी ऐतिहासिक मोमेंट था क्योंकि ये जो इसमें हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको गाया गया था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी, जिनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी, वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर आपके किसी भी पेपर में आता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो उसका जवाब जो कि करेक्ट आंसर है वो है 1906। और किस में किया था, तो आता है कोलकाता अधिवेशन में पहली बार। और अगर उसके अध्यक्ष का आपसे नाम पूछा जाता है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। तो गाइज, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि दे आर ऑफ की इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दिखने में अपने को लगता है कि छोटा छोटा है, लेकिन जब पूछा जाता है तो हमें नहीं पता होता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सब छोटी छोटी डिटेल्स पर भी भारी भारी ध्यान दीजिए, जिससे कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप 100% रेडी हो उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर करने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं 23वें अधिवेशन की। तो जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जो कि 1907 में स्थापित हुआ था, उसमें दो हिस्सों में बट गया। कांग्रेस जो था वो इस 23वें अधिवेशन में बेसिकली दो हिस्सों में बट गया, जिसका नाम रखा गया था गरम दल और नरम दल। ये दो तरह के नाम रखे गए थे। तो इसकी जो अध्यक्षता थी, जो कि डॉक्टर रास बिसारी बोस ने की थी, और यह कहाँ हुआ था, यह सूरत में हुआ था। आगे बात करते हैं 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। जो कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था वो हुआ था 1908 के मद्रास अधिवेशन में। पहली बार जन गण मन कांग्रेस के 1911 में हुए कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर भी काफी सवाल बन सकते हैं कि पहली बार जनगण मन, पहली बार क्या गाया गया था, तो वो था हमारा जो जनगण मन, हमारा नेशनल एंथम है, कहाँ गाया गया था, कांग्रेस के 1911 के हुए कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसकी थी। तो अध्यक्षता जो थी वो थी पंडित बिशन नारायण धर जी की। आगे अगला आता है कांग्रेस के 1915 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलिंगटन और 1915 और मुंबई, ये आपकी की डिटेल्स है, की पॉइंट्स हैं। अगला है कांग्रेस के 1916 में कहाँ पर, लखनऊ में आयोजित हुए 32वें अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, ये जो अभी हमने आपको दो दलों के बारे में बताया था जिसमें कांग्रेस बट गया था, जिसका पहला नाम था नरम, दूसरा था गरम, तो वो वापस एक हो गए थे। तो एक होता है जब आप किसी कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं तो कभी कभी होता है कि भाई थोड़ी गर्मी गर्माई हो जाती है, डिबेट टाइप का हो जाता है। तो उस हिसाब के बाद एक जो सॉफ्ट स्पोकन लोग थे उनका, और एक जो थोड़ा उस चीज से ज्यादा ही, कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज्यादा ही उत्तेजित हो गए थे, तो उनका गर्म दल बन गया था। तो 1916 में जो आपका 32वां अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस जो विभाजित हो गया था वो वापस से एक ही हो गया था, तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। तो वहां पे क्या हुआ था, आपका जो कांग्रेस था और जो मुस्लिम लीग का था उसका समझौता हो गया था। इसकी अध्यक्षता किसकी थी, तो अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता के रूप उसमें हुआ था। अगला आता है कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो अब तक के जितने भी अधिवेशन रहे थे उन सब में जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरा किस में, कोलकाता अधिवेशन में, तीसरा किस साल में, तो वो हो गया आपका 1917 में। फिर आता है कांग्रेस के 1920 में कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो यहाँ पर वापस से का साल आपका 1920 हो गया, जगह आपकी कोलकाता हो गई, और एक विशेष अधिवेशन यहाँ पर हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। फिर
फिर आता है 1923 में जो दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन हुआ था। गाइज यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, टोटल हमारे 50-60 जितने भी अधिवेशन हैं उसमें हमारे ये जो विशेष अधिवेशन है ये भी काफी हद तक उतने ही जरूरी हैं जितने की बाकी अधिवेशन। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये अधिवेशन का अगर आपको नहीं पता होगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो विशेष अधिवेशन है इनकी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं जितने बाकी के अधिवेशन, तो आप इनके बारे में भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये फैक्ट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वापस चलते हैं। 1923 में हमारा जो दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कमलाम आजाद ने की थी, वे सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो अब तक के अगर आपसे युवा अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो सीधे सीधे आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, अबुल कलाम आजाद। जैसे कि पहली महिला अध्यक्ष हमारी एनी बेसेंट जी रही हैं, तो आप युवा अध्यक्ष का नाम भी बता सकते हैं जो कि है अबुल कलाम आजाद। आगे हमारे पास आता है 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। तो यहाँ पर अब दूसरी जो हमारी महिला अध्यक्ष आ गई हैं वो हैं सरोजनी नायडू जी, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो जो भारतीय, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, तो अगर आपके पास यहाँ पे भी देखिए कंफ्यूजन क्या रहता है लोगों को, लोग देख लेते हैं कि हाँ भाई पहली फीमेल जो रही है वो है एनी बेसेंट। तो चार ऑप्शन में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय और आपने डाल दिया एनी बेसेंट तो वो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहली भारतीय महिला थी वो तो सरोजनी नायडू जी थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन आपका कानपुर में हुआ था और ये पहली भारतीय महिला, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 1926 की ओर। तो 1926 में गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। तो क्यों खादी वस्त्र? क्योंकि उस समय आपको अगर याद हो तो एक खादी मूवमेंट किया था हमारे गांधी जी ने, जो कि सेल्फ रिलायंट उससे नेशन को बनाना चाहते थे। सेल्फ रिलायंट एज एन एक होता था ना कि मतलब अपने आप में ही इतना आत्मनिर्भरता रखो कि आपको किसी और पर डिपेंडेंसी ना होनी चाहिए। तो गांधी जी चाहते थे, वो हमेशा इस चीज के फेवर में थे कि भाई हमारी इंडिया अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बने, उसको किसी और के कपड़ों, खानों या फिर किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो वो खादी मूवमेंट इसीलिए चलाते थे, वो चाहते थे हमारा एक एक इंसान खादी से जुड़े। तो खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे और कहाँ हुआ था? 1926 में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं 1927 के अधिवेशन की। तो जो 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी जी थे उनकी अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता, हाँ जी हम जो सेल्फ स्वाधीनता सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे वो अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी वो की गई थी आपकी मद्रास के आयोजित अधिवेशन में जो कि 1927 में हुआ था। फिर बात करते हैं 1929 में लाहौर में आयोजित हुए कांग्रेस के 45वें अधिवेशन की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो की आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस भी मनाने की घोषणा हुई थी। तो कौन सा अधिवेशन था आपका, आप अच्छे से याद कर लीजिए, 1929वें में 45वां अधिवेशन, जिस अधिवेशन में आपकी स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 1931 की ओर। सो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में आयोजित अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो यहाँ पर तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या हो गई, पहली कहाँ कब हुआ था 1931, दूसरा आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता, तीसरा आपका कहाँ हुआ था कराची में, और अधिवेशन में मांगा क्या गया, मांग रखी गई मौलिक अधिकारों की। फिर आता है 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी अध्यक्षता, फैजपुर यानी कि महाराष्ट्र में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो फैजपुर जो एक नामक गांव है यहाँ पर पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
तो इस पर भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा उस चीज का भी। फिर आपका आता है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसे हम आज भी बहुत हर्ष और उल्लास से इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जे बी कृपलानी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, जो हमारे उसी 20 जुलाई के शिफ्ट में पूछे गए थे, पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो गाइज अगला जो सवाल आया था वो था चोल साम्राज्य में उर या फिर सभा किसे कहा जाता था? तो ग्राम सभाओं को, पहला आपका आंसर सुन लीजिए, जो ग्राम सभाएं होती थी उनको उरिया सभा के नाम से जाना जाता था, और गांव की जो महासभा होती थी उनको ग्राम सभा कहते थे। तो यहाँ पर जो उर है, उर में विशेष रूप से गांव के सभी कर देने वाले निवासी शामिल होते थे। तो सभा से तो आप समझ ही सकते हैं, ग्राम सभा में जैसे सभा वर्ड आ रहा है तो सभा से तो रिलेट कर लीजिए आप सभा को। लेकिन जो उर शब्द था, उर शब्द उन लोगों को रेफर करता था, वो जो लोग होते थे, जो गांव के वो सभी लोग जो कि कर कर यानी कि टैक्स पे करते थे, और जो गांव के वो लोग, वो निवासी जो कि टैक्स पे देने में शामिल थे, उनको उर नाम से संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह है भारत का थॉमस कप किस वर्ष जीता था, मतलब भारत ने थॉमस कप किस वर्ष जीता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है, तो गाइज भारत ने बैंकॉक में जो फाइनल्स हुए थे, फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो एक ऐसी कंट्री है जो कि 14 बार थॉमस कप की चैंपियन रह चुकी है, उसको 3-0 से हराकर 15 मई 2022 को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता था। तो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या हो सकती हैं कि भाई कहाँ पर हुआ था मैच? बैंकॉक में। किसको हराया था? इंडोनेशिया को। कितने रन से हराया था? तो 3-0। और कब हराया था, जो कि महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा पूछी भी जाती है, तो वो आपका है, करेक्ट आंसर है 15 मई 2022 को। उसके बाद अगर हम थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और जिसको कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसको आप विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला टूर्नामेंट रहा था थॉमस कप का, वो आपका 1948 से 1949 तक आयोजित किया गया था। तो पहली बार ये आयोजित हुआ था 1948 और 49 में, और जो 1982 तक क्या होता था कि हर 3 साल में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था। लेकिन 1982 के बाद से इसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस आ गए, और उन चेंजेस के बाद से क्या होता है कि यह जो टूर्नामेंट है, जो पहले हर 3 साल में आयोजित किया जाता है किया जाता था, वो अब हर 2 साल में आयोजित किया जाने लगा है। तो अगर आप देखेंगे 1982 से जितने भी मैचेस हुए हैं वो हर 2 साल में एक बार हो रहे हैं, हर 2 साल में वो टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आया था और आपसे पूछा गया था, वो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, जिसमें निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी, जो कि विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी, उसकी शुरुआत की? तो यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस आपके पास 4-5 जो भी ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से अगर आपके पास आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल तो वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थी उन्होंने ही 1936 में कला क्षेत्र, जो कि एक भारतीय कला अकादमी है, उसको शुरू करा था। और वो किस चीज से, राष्ट्रीय कला से संबंधित थी? वो एक अपनी भरतनाट्यम जो नृत्य होता है, भरतनाट्यम जो परंपरा होती है, उससे संबंधित था। और उसमें क्या करना चाहते थे, वो क्या चेंजेस लाना चाहते थे? वो चाहते थे कि जो हमारी भरतनाट्यम की परंपरा है उसके विकास के लिए वो कुछ ऐसी चीजें करें, वो खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर चुकी थी, ऐसी चीजें करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को जाने। तो यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो जो हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते थे वो इस तरह से हैं, जैसे कि मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि होना, ये भी आपका नकारात्मक प्रभाव में आता है। कीटनाशकों
कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग होना, वो भी आपका एक नेगेटिव ही है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं यूज करना, ये भी आपका एक नेगेटिव ही जो प्रभाव है वो है। और आखिर में जो आता है कि आप उन्होंने देखा था कि आत्महत्या की जो दर है उसमें वृद्धि भी आ रही थी, जिसके कारण हरित क्रांति के इन कुछ प्रथाओं को नेगेटिव प्रभाव के नाम से जाना जाने लगा था। गाइस बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, तो आता है प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बू लक्ष्मी संगीत के किस शैली से संबंधित हैं? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है कर्नाटक संगीत से। तो जो एम एस सुब्बू लक्ष्मी है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और अगर हम बात करें उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो तमिलनाडु के मदुरै में इनका जन्म हुआ था। और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये पहली गायिका थी। तो आप जान सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एम एस सुब्बू लक्ष्मी जी को, कब किया गया था? आंसर है 1998 में। वे 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1974 में उनको उससे सम्मानित किया गया था। तो अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसको हम एशिया का नोबल पुरस्कार मानते हैं। मतलब जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसको नोबेल पुरस्कार की, एशिया के नोबेल पुरस्कार की उपाधि भी दे रखी है। तो गाइज एम एस सुब्बू लक्ष्मी जो थी वो पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुब्बू लक्ष्मी जी थी, उनको 1954 में पद्म विभूषण और 1975 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप प्लीज ध्यान में रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वही की पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे। गाइज तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था लाइपेस के बारे में, कि लाइपेस किसका पाचन करता है। तो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि गाइज लाइपेज एक एंजाइम है जो कि वसा को विभाजित करता है ताकि आंत उसे अवशोषित कर सके। तो अगर आपने वसा पे टिक करा है तो वसा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है कि लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा को विभाजित करता है। तो जो गाइज लाइपेज होता है यह क्या किसके द्वारा स्त्रावित होता है? यह अग्नाशय एक ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, उसके द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आपसे पूछा गया था वो था अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी टोटल कितनी होती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वो है 42.195 किलोमीटर। और अगर आपको ऑप्शंस में मील या फिर गज के हिसाब से पूछा जाता है, अगर आपको किलोमीटर्स में आंसर पूछा जाता है, तो आप सिंपली उसका करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं जो कि है 42.195। लेकिन अगर आपको मील और गज में पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है 26 मील और 385 गज, जो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की पूरी टोटल अपनी जो दूरी होती है। तो प्लीज आप इसको भी ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM, जिसका मतलब है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 1 मई 2013 को NUHM लॉन्च किया गया था, जिसको किस उद्देश्य के साथ लेकर आया गया था? उद्देश्य यह रहा था कि जो शहरी गरीब लोग हैं उनकी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाकर स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करना। तो ऐसा नहीं है शहर में हर रहने वाला लोग ही जो होते हैं वो अमीर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शहरी गरीब लोग भी शामिल होते हैं हर एक शहर में। तो ऐसे लोग जो कि शहरी गरीब हैं और उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जो सेवा है वो सुलभ और किफायती तरीके से पूरी हो सके, ये हमारा NUHM के उद्देश्य रहा था। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो था रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने साल की अवधि में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये हम आपको बता दें कि अब से इस योजना के तहत टोटल 50,000 लोगों को 3 साल की अवधि में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 साल की अवधि। और यह ट्रेनिंग विशेषकर उन लोगों के लिए होगी जो कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर,
मैकेनिस्ट और फिटर जैसे ट्रेड में इंक्लूडेड हैं जो इनमें आते हैं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 3 साल। और कितने लोगों को इस योजना के तहत? 50,000 लोगों को। और ये जो फील्ड है, इन फील्ड के भी नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और फिटर। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था गाइज, वो था तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है, वो कौन सा त्योहार है? तो जिसका करेक्ट आंसर है लोसर, लोसर इज द करेक्ट आंसर। जो लोसर त्योहार है वो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आपके दो सवाल सीधे सीधे बन गए, आपका लोसर त्योहार के बारे में, तिब्बती नववर्ष के बारे में, और कहाँ मनाया जाता है, यह लद्दाख में मनाया जाता है। तो 2-3 सवाल तो एक ही आपके सवाल में से बन जा रहे हैं, तो आप उनको भी याद कीजिएगा। अगला गाइस जो कि आपसे पूछा गया था वो था माउंट स्टुअर्ट एल्फिन स्टोन कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो गाइस जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिन स्टन थे, जो जिनका जन्म आपका 6 अक्टूबर 1769 से 20 नवंबर 1859 तक तो उनका जीवन काल रहा था, और ये स्कॉटलैंड का एक राजनयिक तथा इतिहासकार थे। तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, एक राजनयिक तथा इतिहासकार थे जो कि ब्रितानी शासन में सरकार में भी रहे थे, और बाद में वह मुंबई का गवर्नर बने, जहां पर उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान आरंभ किए और ये पुस्तक भी लिखा करते थे। तो उससे रिलेटेड भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गाइज अगले क्वेश्चन में क्या था? अगले क्वेश्चन में आपको एक तरफ इन डिजीजेस के बारे में दे दिया था, एक तरफ आपको ये किससे रिलेटेड होती हैं उनके बारे में दे दिया था, और आपको अंत में उनका मिलान करना था। तो यहाँ पर आपको पहला दिया है मम्स जो होता है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। मम्स, जिसको हम कंठमाला के नाम से भी जानते हैं, वो स्रावित होता है आपका लार ग्रंथि से। अगला फिर अल्जाइमर दिया था, तो अल्जाइमर जो होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, और ब्रेन यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको डिप्थेरिया के बारे में पूछा गया था, जो डिप्थेरिया है वो नाक से रिलेटेड होती है। तो ये इनके जो तीनों के करेक्ट आंसर्स हैं, आपको मिलान आप कर सकते हैं, मम्स सलाइवरी ग्लैंड, अल्जाइमर्स ब्रेन और डिप्थेरिया नोस। फिर गाइज आपको 2021 में भारत में कौन सा तूफान आया था ये भी पूछा गया था, जिसका आंसर रहा है अम्फान, जो कि नवंबर 2020 में आया था। मई 2021 में आया था एक नामक तूफान जिसका नाम था यास, और सितंबर 2021 में आपका एक तूफान जो आया था वो उसका नाम था गुलाब, जो कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आया था। तो गाइज इसी के साथ साथ आप इस साल के भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इस साल बिपरजॉय कितना ज्यादा फैला था, और आपका ये जो मौका आया था, मौका जो था MOCHA के नाम से जो था, तो वो भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आया था। तो आप उनके बारे में भी प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में उनके बारे में पूछा जाए। आगे फिर आपसे पूछा गया था कि एक्सेप्टेड का एंटोनिम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिजेक्टेड। अगर आपको ऑप्शंस में कहीं भी रिजेक्टेड दिखता है या रिजेक्टेड से रिलेटेड कुछ भी दिखता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्सेप्टेड का एंटोनिम है रिजेक्टेड। फिर आपसे पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग केज फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो ये जो एवियरी नाम की एक चीज होती है वो ऐसा बड़ा केज होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको एवियरी दिया हुआ है, यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन में एपियरी भी होता है, तो जो एपियरी है वो गलत आंसर है, क्योंकि एक ऐसा बिग केज जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं उसको AVIARY एवियरी जानते हैं। जो एपियरी होता है वो एपियरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर बीज को रखा जाता है। तो यहां पर देखा आपने सिर्फ एक लेटर से कितना एकदम आंसर आपका गलत हो सकता है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। आगे फिर आपसे पूछा था एबेंडन का एंटोनिम क्या होता है, अगला प्रश्न एबेंडन का एंटोनिम पूछा गया था। तो अगर आपके पास ऑप्शन में एक्सेप्ट हुआ या पास हुआ, इनमें से कुछ भी होता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। फिर हमसे पूछा गया था व्हाट इज द इडियम ऑफ ऑन द बॉल, तो जो ऑन द बॉल होता है इसका आंसर होता है न्यू आइडिया आना या फिर क्विक रिएक्शन देना। तो इनमें से या फिर इनसे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन में कुछ भी आता है, तो वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि न्यू आइडिया क्विक रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है
ऑन द बॉल ईडियम्स की। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरी पूरी कोशिश करी कि हम 20 जुलाई 2023 के एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें आपसे जो जो पूछा गया हम उनको 100% करेक्ट आंसर्स के साथ आपको यहाँ पर एग्जाम की एनालिसिस लेकर आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से और भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इसी तरह से आप फॉलो करें, सपोर्ट करें और हमें आपके सजेशंस प्रोवाइड कराते रहें। इसी तरह से एसएससी सीजीएल से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आते हैं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हम और आप इसी तरह से जुड़े रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कीप अहेड इन द गेम आवर सेल्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।